What's up guys, welcome back to the channel. I know कि वीडियो बहुत दिनों से नहीं आई है, बट आएगी, चिंता ना करो. और इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिक बात करने वाले हैं कोल्ड वॉर के मल्टीप्लेयर रिवील के बारे में, जो हुआ था कल 9 सितंबर की रात को, इंडिया के हिसाब से रात को. और मैं इस वीडियो में पूरा इन डेप्थ जाऊंगा जो जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को कल के इवेंट के बारे में मिली थी. और हम लोग आज क्या क्या बात करेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ. बीटा के बारे में बात करेंगे, मैप्स के बारे में बात करेंगे, मोड्स, वेपन्स, स्कोर स्ट्रीक्स, पर्क्स, गनस्मिथ, वाइल्ड कार्ड, फील्ड अपग्रेड्स, वॉर जोन, ज़ॉम्बीज, एवरीथिंग. हम लोग सब कुछ के बारे में बात करेंगे. आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आएगी, आगे तक पूरी देखना. और सबसे पहले तुम लोग को मैं ये स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ, इसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन है. और इसके बाद तुम लोग मल्टीप्लेयर ट्रेलर देख लो सबसे पहले, जो कल दिखाया गया था, उसके बाद बात करते हैं आगे की. Threat neutralized. You're here because you're the best special forces NATO has to offer. You're all that keeps the world from turning to cinders, comrades. We work off the books. Operate in the shadows. To keep the wolves at bay. Today, we reshape the world. What the fuck are we doing in Miami? Let them come. Go! It's time to punch that top guard. Secure the sub. I'll take care of this. I'll drive. Big Papa kick the wall run. And that's how we go. Keep pushing. No, over here. Digital copy and get early access to the open beta and instant access to the Woods Operator pack in Modern Warfare and Warzone. So guys, I hope तुम लोग को मजा आएगा ट्रेलर देख के मल्टीप्लेयर का. और ये है मेन लॉबी जो मल्टीप्लेयर की दिखेगी, तुम लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे. तो अब अगर हम लोग बात करें कि बेटा एक्सेस के बारे में, तो अक्टूबर 8 से बेटा एक्सेस चालू होंगे. तुम लोग को हमेशा पता है, मैं तुम लोग को पिछली वीडियो में बताया था, प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव होते हैं सबसे पहले, तो हमेशा कॉल ऑफ ड्यूटी का टाई अप रहता है. उसके बाद में और सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी आ जाएंगे, डेट्स हम लोग देख सकते हो सामने. और अब अगर हम लोग मैप्स के बारे में बात करें, अब सबसे पहले तो मैप्स आएगा मियामी, क्रॉसरोड्स, उसके बाद मॉस्को और सैटेलाइट और अर्माडा. तो अब अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें कि वेपन्स कौन कौन से होंगे इस गेम में, तो तुम लोग सामने देख सकते हो ये बहुत सारी लिस्ट हैं. LMGs, टैक्टिकल राइफल्स, SMGs, AR, पिस्टल, शॉटगन्स वगैरह, ये सब गेम में अल्फा वर्जन में, जो बहुत सारे लोगों को, क्रिएटर्स को मिला था अल्फा वर्जन, जो हम लोग को शायद पब्लिक को नहीं मिलेगा, बीटा मिलेगा हम लोग को सीधे. तो उन लोग के अल्फा वर्जन में जितने भी वेपन्स मिले हैं, तो ये सब हैं.
और अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें स्कोर स्ट्रीक्स के बारे में, तो हाँ मॉडर्न वॉरफेयर की तरह इस बार किल स्ट्रीक्स की आगे स्कोर स्ट्रीक्स होंगे कोल्ड वॉर में। और स्कोर स्ट्रीक्स के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता है, हम लोग को बस चॉपर गनर दिखा था और थोड़े बहुत और स्कोर स्ट्रीक्स हैं। बट जो मेन थिंग है नोटिस करने वाली कि इस बार स्कोर स्ट्रीक्स थोड़े से डिफरेंट है, कि अगर तुम एक बार मर भी जाते हो तो तुम्हारा पूरा स्कोर स्ट्रीक्स क्या कहते हैं रीसेट नहीं होंगे, तुम्हारा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा स्कोर स्ट्रीक्स, तुम्हारे रीसेट नहीं होंगे तुम्हारे मरने पे भी, विच इज़ अ वेरी बेस्ट थिंग आई वुड से। कि जैसे हर कोई बंदा 15 या 16 स्कोर स्ट्रीक या किल स्ट्रीक तक नहीं पहुंच पाता, वो भी अपना क्या कहते हैं साथ में इंजॉय कर सकता है स्कोर स्ट्रीक्स के साथ ऑल्सो। अब क्योंकि ये रीसेट नहीं होंगी डेथ से, तो स्कोर स्ट्रीक्स थोड़े थोड़े टाइम के बाद कूल डाउन पे जाएगा, कि मतलब अगर तुमने एक कोई भी स्कोर स्ट्रीक यूज़ कर लिया है तो उसके बाद उसको थोड़ा सा कूल डाउन चाहिए होगा, तब फिर तुम वापस यूज़ कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट बात करें पर्क्स के बारे में, तो जो जो अल्फा वर्जन में जो गेम में थे पर्क्स, वो स्लॉट वन में है इंजीनियर जो स्पॉटर है मॉडर्न वॉरफेयर में, टैक मास्क, फ्लैग जैकेट, अब स्लॉट टू में स्कैवेंजर है, रीस्टॉक है, ट्रैकर है, और स्लॉट थ्री में अगर बात करें कोल्ड ब्लडेड है, निंजा है और घोस्ट है। तो अब अगर हम लोग निंजा की बात करें तो निंजा थोड़ा सा डिफरेंट पर्क है, जैसे पहले देखा होगा तुम लोग ने गेम में कि निंजा बिल्कुल साइलेंट कर देता था तुम्हारे फुटस्टेप्स, लेकिन इस गेम में थोड़ा सा डिफरेंट है निंजा का पर्क का यूज़। इसमें पूरी तरह से तुम्हारा साइलेंट नहीं करेगा, तुम्हारा जो सामने जो एनिमी होगा वो हल्का बहुत तुम्हें सुन पाएगा फुटस्टेप्स तुम्हारे, लेकिन फुल्ली तुम कवर में नहीं रहोगे। ऑलराइट गाइस, निंजा की तरह एक और घोस्ट में भी थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन है। घोस्ट अगर तुम इक्विप किए हुए हो तो तुम्हें हर टाइम थोड़ा सा कॉन्स्टेंट मूवमेंट बनाए रखना होगा, अगर तुम कहीं पे कैंप कर रहे हो या थोड़ी सी जगह पे कहीं पे छुपे हुए हो, तो अगर तुम्हारे पास घोस्ट इक्विप्टेड भी है तब भी लोग तुम्हें देख सकते हैं रेडार से। और रेडार से मेरे को याद आया कि जो ट्रेडिशनल हर कॉल ऑफ ड्यूटी में क्या कहते हैं रह चुका है रेडार नॉर्मली, वैसे ही रेडार इस बार देखने को मिलेगा। मॉडर्न वॉरफेयर में ही बस रेडार ढंग का नहीं था जिसमें तुम एनिमीज नहीं देख सकते हो जो अनसरप्राइज वेपन यूज़ कर रहा है, इस गेम में तुम नॉर्मली देख सकते हो रेडार पे, अगर कोई भी बंदा तुम्हारे पास अनसरप्राइज वेपन यूज़ कर रहा है तो वो तुरंत रेडार पे आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं गनस्मिथ के बारे में, जो मैंने सोचा नहीं था कि इस गेम में होगा, क्योंकि बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे कि वो मॉडर्न वॉरफेयर एक्सक्लूसिव होगा ये फीचर गनस्मिथ का। तो गनस्मिथ इस गेम में भी है जो तुम्हें फुल्ली कस्टमाइज करवा देता है गन को, हर एक पार्ट वगैरह गन का कस्टमाइज कर सकते हो तुम। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि वाइल्ड कार्ड कौन कौन से होंगे। तो मैं जो भी वाइल्ड कार्ड बता रहा हूँ ये सब क्रिएटर्स जिन्होंने अल्फा वर्जन्स खेले हुए हैं जो उनमें थे वही सारे हैं ये, हो सकता है आगे नए भी आ जाएं गेम में जब हम लोग को एक्चुअल गेम रिलीज़ होते हुए दिखे। तो अभी जितने भी अल्फा वर्जन्स में थे तो मैं तुम लोग को बता दे रहा, सबसे पहला है ग्रीड जिसमें तुम एक्स्ट्रा 3 पर्क्स और एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हो वाइल्ड कार्ड में, अगर तुम ये वाइल्ड कार्ड लगाते हो तो 3 एक्स्ट्रा पर्क्स यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है गन फाइटर जो कि ऑफ कोर्स बहुत फेमस होने वाला है मेरे हिसाब से, इस वाइल्ड कार्ड को लगाने से तुम अपने प्राइमरी वेपन्स में 3 और अटैचमेंट्स लगा सकते हो, सेकेंडरी में नहीं सिर्फ प्राइमरी में लगा सकते हो, ये भी याद रखना। और नेक्स्ट है लॉ ब्रेकर जिसमें तुम इक्विप्ड एनी वेपन इन ईदर स्लॉट एंड इक्विप्ड एनी पर्क, मतलब अगर तुम चाहो तो 2 सेकेंडरी या 2 प्राइमरी वेपन्स ले जा सकते हो साथ में। और नेक्स्ट है डेंजर क्लोज, इसमें तुम इक्विप्ड एक्स्ट्रा लीथल एंड टैक्टिकल इक्विपमेंट्स एंड स्टार्ट विद मैक्स एमो, तो मतलब तुम जो भी लीथल और टैक्टिकल ले जा रहे हो साथ में जैसे फ्रैग ग्रेनेड और जैसे मान लो फ्लैश, तो ये दोनों दो दो हो जाएंगे, और जब भी तुम स्टार्ट करोगे तो जो भी गन होगी उसके साथ उस वेपन के साथ पर्टिकुलरली तुम मैक्सिमम एमो जितनी भी वो वेपन होल्ड कर सकता है टाइप का उसके मैक्सिमम के साथ तुम रिस्पॉन्ड करोगे जब भी तुम मरोगे बार बार। तो अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फील्ड अपग्रेड्स के बारे में, तो फील्ड अपग्रेड्स थोड़े से मॉडर्न वॉरफेयर से इस बार डिफरेंट रखे हैं इन लोगों ने, कि जैसे मॉडर्न वॉरफेयर तुम ओवरऑल चूज़ करते थे 1 या फिर 2 फील्ड अपग्रेड्स, बट इस बार अलग अलग फील्ड अपग्रेड तुम लगा सकते हो अपने कस्टमाइज लोड आउट के साथ, कि चाहो तो तुम एक के साथ कुछ लगा सकते हो दूसरे के साथ कुछ लगा सकते हो फील्ड अपग्रेड। तो एक तो है काउंटर UAV जो ऑफकोर्स हर गेम में रहता है, दूसरा है UAV जो हर गेम में रहता है, और एक है फील्ड माइक जिससे शायद तुम सेंसरी टाइप का है कि अगर एक स्पेसिफिक एरिया में तुम लगा रहे हो तुम सुन सकते हो, सेंसर्स टाइप का है। और अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें वॉर जोन के बारे में कि वॉर जोन और कोल्ड वॉर कैसे टाई अप रहेगा वगैरह, या वॉर जोन का आगे क्या रहेगा फ्यूचर वॉर जोन का, तो तुम लोग इन भैया को सुन सकते हो जो ये कह रहे हैं, सुन लो। थैंक्स टोनी,
All right, everyone, let's talk Warzone. You've seen how we're pouring it all into the Cold War multiplayer experience, but let's confirm it right here, right now. Black Ops Cold War will also usher in the next evolution of Call of Duty Warzone, continuing and expanding the blockbuster Battle Royale free-to-play experience. And it'll be a true evolution, with Warzone not merely picking up where the Modern Warfare climax left off narratively, but also interweaving the themes, locations, weapons, and vehicles of Black Ops Cold War right into the action. Cold War and Warzone will also share post-launch content from a narrative standpoint across both the Battle Pass system and item shop content. This interlinks Call of Duty in ways that evolve the Warzone experience while delivering jaw-dropping moments. So yeah, you can expect some surprises along the way. One surprise we're avoiding is the feeling of starting over. It's important to us that you can still use your characters and weapons and progression-related items, which is why investment and progress in Cold War is reflected in Warzone. While these are two very big games, from the beginning, they've been built to work together. Your player experience is everything to us. So we're making sure Black Ops Cold War and Warzone share progression, with much of your previously earned Modern Warfare content, from weapons to cosmetics, still available for use in both Warzone and Modern Warfare. We're collaborating with our studio partners across Call of Duty to preserve continuity while building a new chapter of Warzone that will immerse you into all of the best elements of Black Ops Cold War. That's multiple studios totally committed to continuing this new tradition of insanely fun, absurdly accessible Warzone action. We can't wait for you to see how Verdansk and all of Call of Duty will evolve in the year ahead. But that sense of interconnectedness, it extends beyond just Warzone. That's why I'm excited to confirm that Black Ops Cold War will not only support cross-platform play and progression, but will also deliver cross-generation play to the game. That's because Black Ops Cold War is, at its heart, a connected experience. And playing together on whatever platforms you prefer only betters that experience. Cross-play and cross-progression across current and next-generation systems across all modes. That won't be easy, but it's worth it to allow fans who have never had a chance to play together to squad up and deploy, no barriers between them. And with a Battle Pass system delivering a steady stream of post-launch content, Black Ops Cold War will be the very first cross-platform, cross-generation Call of Duty experience, making it the deepest game in franchise history. So guys, अगर हम लोग बात करें कि modes कौन-कौन से हम लोग को multiplayer में देखने को मिलेंगे, तो वैसे भी नॉर्मल जो होता है हम लोग का TDM हो गया, सर्च एंड डिस्ट्रॉय हो गया, डोमिनेशन हो गया, हेडक्वार्टर्स, हार्ड पॉइंट वगैरह, ये सब तो देखने को मिलेंगे ही। अलग से इन लोगों ने दो नए मोड्स निकाले हैं, VIP एस्कॉर्ट और दूसरा हो गया कंबाइंड आर्म्स डोमिनेशन। तो कंबाइंड आर्म्स डोमिनेशन तो मैं कहूँगा कि ग्राउंड वॉर है, बस थोड़ा सा नाम अलग कर दिया है, थोड़ा सा मैप अलग हो गया है, जिप लाइंस वगैरह ऐड होंगी और थोड़े बहुत व्हीकल्स वगैरह होंगे, है पूरा ग्राउंड वॉर ही। और अगर हम लोग बात करें VIP एस्कॉर्ट के बारे में, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट मैच है। अगर तुम VIP हो तो तुम्हारे पास सिर्फ एक पिस्टल होगी और एक UAV होगी और तुम्हें एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना होगा सेफली, बिना मरे। और अगर तुम चले जाते हो हेलीकॉप्टर के अंदर तो तुम मैच जीत जाओगे। और फाइनली अगर हम लोग बात करें ज़ॉम्बीज़ के बारे में, कि हर कॉल ऑफ ड्यूटी के, ब्लैक ऑप्स के जितने भी गेम है जो ट्रियार्क डेवलप करता है, तो उनके हर उसमें गेम में ज़ॉम्बीज़ रहते हैं। ज़ॉम्बी वैसे भी बहुत पॉपुलर है अगर हम लोग स्पेक ऑप्स वगैरह से कंपेयर करें मॉडर्न वॉरफेयर में, जो बिल्कुल भी कोई नहीं खेलना चाहता, बहुत ही बेकार होते हैं कंपेयर करें ज़ॉम्बी से, वो भी थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, उसमें ईस्टर एग्स वगैरह होते हैं। ज़ॉम्बीज़ के बारे में कुछ नहीं पता चला, थोड़ा सा टीज़र ट्रेलर दिखाया इन लोगों ने, टीज़ किया है, तो वो क्लिप मैं तुम लोग को दिखा दे रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।